हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सुधा ज्योति। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल डिंपल ज्योति पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी चल रहा है रेनी सीजन। जब भी बारिश होती है तो हम सभी को बहुत ही मन करता है, क्या मन करता है, तले हुए खाना खाने के लिए, बहुत सारे स्नैक्स फूड खाने के लिए बहुत ही मन होता है। लेकिन ये जो स्नैक्स फूड है, तले हुए खाना है, हम सबकी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ डिजीज हो चुका है, जिसकी वजह से वो लोग तले हुए खाना नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल ही मना है उन सभी को तले हुए खाना खाने के लिए। लेकिन क्या उन सभी को मन नहीं हो रहा होगा कि हम भी कुछ इस मौसम का एंजॉय करें तले हुए खाने के साथ? लेकिन वो लोग नहीं खा पाते हैं। उन सभी के लिए तले हुए खाना जहर जैसा है। लेकिन मैं उन सभी के लिए ला रही हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश, जो कि अब सभी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ अब सभी के हेल्थ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हेल्दी भी है। तो मैं सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कचौरी। इस बारिश के मौसम में शाम में कचौरी और एक कप चाय के साथ तो बनता ही है। तो कैसे विदाउट ऑयल में हम सब कचौरी बनाएं, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम तेल, 1-2 चम्मच बस इतना ही लगेगा, लेकिन बहुत टेस्टी है। बिल्कुल भी आप सभी को डिफरेंस पता भी नहीं चलेगी कि ये तला हुआ कचौरी नहीं है। सेम टू सेम टेस्ट तला हुआ कचौरी और बहुत कम तेल में फ्रायड कचौरी मैं बनाऊंगी, तो आप सब देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं और इस मानसून को एंजॉय करने के साथ साथ हम लोग कचौरी बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है। आज हम बनाएंगे कचौरी, लेकिन ये कचौरी हम अप्पम मेकर में बनाएंगे और बहुत ही कम तेल का यूज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदा का एक डो लगाकर रेडी करेंगे। हम यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिए हैं, 1 स्पून ऑयल डालेंगे, सॉल्ट 1 स्पून, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून। अब सारी चीज़ को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अब एक डो लगा दी हूँ, तो सेट होने के लिए 10 मिनट तक साइड में रख लेते हैं, तब तक हम स्टॉपिंग तैयार कर लें। स्टॉपिंग बनाने के लिए हमें चाहिए उबला हुआ आलू। यहाँ पर 3 उबला हुआ आलू को मैं यहाँ पर मेस कर चुकी हूँ, और एक प्याज बारीक बारीक कटे हुए, और यहाँ पर कुछ मटर की दाने, ग्रीन मटर, अदरक अदरक लहसुन और ग्रीन चिली यहाँ पर है, और कुछ धनिया पत्ता, और सूखे मसाले में यहाँ पर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, किंग मसाला, गरम मसाला और सब्जी मसाला, बस इतना ही चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्च बारीक बारीक कटे हुए। इन सारी चीजों को हल्का सा भून लेते हैं। अब हम डालेंगे मटर की दाने
अब हम मटर के दाने को भी हल्का सा भून लेते हैं और इन्हें ढककर 2 मिनट पकने देते हैं। गैस धीमी रखेंगे। अब 2 मिनट हो चुका है, मटर अच्छे से भूनकर तैयार हो गए हैं। अब इनमें प्याज डाल देते हैं। प्याज तब तक भूनेंगे जब तक थोड़ा सा ब्राउन कलर ना आ जाए। और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देते हैं। यहाँ पर प्याज भून चुका है। अब हम डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले को मिक्स कर लें। यहाँ पर मसाला रेडी हो चुका है। अब हम आलू डाल देते हैं। आलू और मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मसाला रेडी हो चुका है। अब हम मसाले को ठंडी होने के लिए साइड में रख देते हैं। आटे को हम यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कचौरियों को भरने के लिए हम यहाँ पर एक बेलन की सहायता से एक पूड़ी की तरह बना लेंगे। उसके बाद हम स्टॉपिंग को भर लेंगे। अब धीरे धीरे से चारों ओर से बंद कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं गोल शेप बन चुका है। कचौड़ी सेकने के लिए अपम मेकर का हम गरम कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, बहुत ही कम। आग धीमी रखेंगे।
3 मिनट के बाद चेक करेंगे, 3 मिनट यहाँ पर हो चुका है। कचौड़ी को पलट देते हैं। हम कचौड़ियों को चारों ओर से अच्छी तरह से सेक लेते हैं, तब जब तक ब्राउन कलर ना आ जाए चारों ओर से। कचौड़ियाँ यहाँ पर पूरी तरह से बन चुका है, गरम गरम कचौड़ियाँ यहाँ पर बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्रिस्पी और टेस्टी बन चुका है कचौड़ियाँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से कचौड़ी बनकर तैयार हो चुका है। कचौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बना है, क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई करें और कैसे बना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।